नगर पंचायत पागबड़ा के संत नामदेव मंदिर पर विगत 8 दिनों से जारी रामलीला के मंच पर 9 दिवस से देर रात अशोक वाटिका में माता सीता को भगवान श्री राम की निशानी हनुमान जी द्वारा पहुंचाने का मंथन किया गया। रामलीला कमेटी पागबड़ा के तत्वावधान में लगभग 7 दशकों से संत नामदेव बड़ा मंदिर पागबड़ा में भगवान श्री राम की लीला का हर साल मंचन कराया जाता है। इस रामलीला के माध्यम से जनता को यही संदेश दिया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, क्योंकि जब जब बुराई पैदा होती है तब तब बुराई का नाश करने के लिए अच्छाई के रूप में भगवान ने अवतार लिया है, बुराई का नाश किया है। बागबड़ा में जारी रामलीला के मंच पर आज हनुमान जी लंका पहुंचकर माता सीता से अशोक वाटिका में मिलते हैं और उन्हें भगवान राम की निशानी सौंपते हैं। हनुमान जी ने लंका पहुंचने की सूचना जब रावण को होती है तो वो उनको दरबार में बुलाता है और दरबार में हनुमान जी को लज्जित करने का काम करता है, जिस पर हनुमान जी कहते हैं कि वो भगवान श्री राम के भक्त हैं और किसी भी परेशानी से डरने वाले नहीं। आज के इस मंचन के द्वारा रामलीला के मंच पर कलाकारों ने अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन किया, सभी भक्तों को भगवान की भक्ति में लीन कर दिया, हर कोई भगवान श्री राम की जय जयकार करने लगा और भार विभोर हो गया। साथ ही सभी देशवासियों को यही संदेश दिया जाता है कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर चले, सच्चाई का साथ दें, अच्छे कार्यों पर करें, साथ ही अच्छे रास्तों पर भी चले। रामलीला के इस मंच पर आज सूफन खां की नाक लक्ष्मण जी के द्वारा काटी गई। कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी कला का बखूबी प्रदर्शन किया।
मौके पर कमेटी के अध्यक्ष लाल पुरुषोत्तम शरण गुप्ता, संरक्षक राम बाबू भटनागर, कोषाध्यक्ष सीताराम रोहेला, महामंत्री नरेश सक्सेना, व्यवस्थापक लाला सतपाल सिंह हुड्डा, गुड्डू चौधरी और संजीव हुड्डा, एडवोकेट सेवी शर्मा, ठाकुर ओमकार सिंह, देवेंद्र सिंह, डॉक्टर सोहन सिंह, जयप्रकाश सिंह, हरिनारायण गुप्ता, सुनील गुप्ता, तोताराम सैनी, रोहतास सैनी, रणजीत सिंह पंडित सहित पागबड़ा के तमाम धर्म प्रेमी मौजूद थे।